हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम मेडिकोस। जैसे कि नीट 2024 का रिजल्ट आ चुका है और कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, आपने जैसे रिजल्ट देखा होगा, इसीलिए एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन थॉरली याद करना समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके लिए जब चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थॉरली लाइन टू लाइन आपको समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूंगा। आज आप इसको पढ़ने के बाद अपने मन से इस चैप्टर को लाइन टू लाइन रीड कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने बुक में भी हाईलाइट कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत कब पड़ी, क्यों पड़ी? जब चीज़ों को हमें चीज़ों को समझना हो तो हमें उसे क्लासिफाई करना ज़रूरी होता है, ताकि वो अच्छे से हमें क्लियरली समझ में आए, हम उसको सॉर्ट कर सकें। तो क्लासिफिकेशन उसी के लिए ज़रूरी था। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब हमारे एनिमल्स, जो प्लांट्स हैं, उन सबको क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी था, ताकि हम उसके यूज़ को समझ सकें। तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो लेके, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन लेके आए थे, वो थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट हु अटेम्प्ट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो बेसिक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए प्लांट के, जैसे कि उन्होंने प्लांट्स को क्या किया, प्लांट्स को 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया, विच आर हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वॉज डन बाय एरिस्टोटल। ठीक है, तो एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डू द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया, किस बेसिस पे किया था, इन्होंने जो अटेम्प्ट किया था क्लासिफिकेशन का, वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे किया था। किसके बेसिस पे, मॉर्फोलॉजिकल, बाहर के अपीयरेंस के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। इन्होंने जो ये क्लासिफिकेशन था, इसको मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे किया था, मतलब दिखने के बेसिस पे किया था। इन्होंने क्या किया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में सबसे पहले लिया प्लांट्स को। इन्होंने क्या किया, प्लांट्स को दिखने के बेसिस पे, दिखने मतलब उनकी हाइट के बेसिस पे, हाइट के बेसिस पे, मतलब हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज, इन 3 में डिवाइड कर दिया। हर्ब्स वर द स्मॉलेस्ट प्लांट, जिनकी हाइट बहुत कम होती है, इनकी मीडियम हाइट थी और दे वर लार्ज हाइटेड। इनकी हाइट कैसी थी, लार्ज थी। उसके बाद इन्होंने एनिमल्स के बेसिस को, एनिमल को क्लासिफिकेशन कैसे किया, एनिमल के ब्लड के बेसिस पे किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्लड। अगर ये रेड ब्लडेड थे, रेड ब्लड मतलब एरिथ्रोसाइट मतलब समझ में आ रहा है आपको, एरिथ्रोसाइट हम किसको कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं। अगर आरबीसी प्रेजेंट है, अगर उनका ब्लड रेड कलर का है, तो उनको हमने डाल दिया एनिमल उसमें क्लासिफिकेशन में कर दिया कि रेड ब्लडेड एनिमल्स है, इनका ब्लड कैसा है, रेड कलर का है। वेरेस जो क्या नाम है, जिनके पास नहीं था, उनको बोला कि इनके पास रेड ब्लड नहीं है। तो इन्होंने रेड ब्लड और नॉट रेड ब्लड पे डिवीजन कर दिया, किसका, एनिमल्स का। तो ये भी एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो गया, ब्लड को चेक किया, ब्लड अगर रेड है तो रेड ब्लड वाले में डाल दिया इनको, और अगर रेड ब्लड नहीं है तो उसको दूसरे एनिमल को दूसरे में डाल दिया। बट ये क्लासिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं था, इससे आप पूरे तरीके से एनिमल प्लांट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, आप समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, क्योंकि इसके अलावा, एनिमल प्लांट्स के अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज बाद में जाके इंट्रोड्यूस की गई। तो इसके बाद जो बहुत सही क्लासिफिकेशन का बेसिस आया था, वो लेके आए थे लीनस। कौन लेके आया था, लीनस। लीनस की क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्या था, लीनस ने क्या किया, एनिमल्स को और प्लांट्स को डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। तो लीनस जो थे, उन्होंने सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के बाद, जो हम कह सकते हैं कि पहला क्लासिफिकेशन जो था, जिसको हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय कार्ल लीनस। लीनस ने आपको क्लासिफिकेशन दिया था। तो यहां पे जो साइंटिस्ट का नाम आएगा वो आएगा टू किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय लीनस। क्लासिफिकेशन लीनस का जो क्लासिफिकेशन था, इन्होंने क्या किया था, एनिमल और प्लांट्स को डिफरेंशिएट किया था। इन्होंने भी एनिमल और प्लांट को
डिफ्रेंशिएट किया बट मोर साइंटिफिक बेसिस पे. इन्होंने भी दो किंगडम जो किंगडम्स थे, पहला किंगडम था एनिमल का और दूसरा किंगडम जो था उसको प्लांट का था. तो इन्होंने किंगडम का नाम रखा था प्लांट का था. तो किंगडम प्लांट एनिमल किंगडम का नाम था एनिमेलिया और प्लांट किंगडम का नाम था प्लांटिया. क्लियर? तो इनके यहां पे जो किंगडम क्लासिफिकेशन था, तो सबसे पहले आप हाईलाइट कर लेंगे एरिस्टोटल को. एरिस्टोटल ने क्या किया था, अर्लीस्ट अटेम्प्ट दिया था जो ज्यादा हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था. उन्होंने क्या यूज किया था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज किए थे. क्या यूज किया था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर फॉर द क्लासिफिकेशन. इन्होंने प्लांट्स को हर्ब शर्ब्स और ट्रीज में डिवाइड कर दिया था और एनिमल्स को रेड ब्लड और विच डोंट हैव रेड ब्लड दो में डिवाइड कर दिया था. उसके बाद जो फर्स्ट टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, ये किसी किंगडम में नहीं था. एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो कोई किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं था. तो हम कह सकते हैं कि अगर सबसे पहला किंगडम क्लासिफिकेशन, तो पहला किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था लीनियस ने, उसका नाम था टू किंगडम क्लासिफिकेशन. इस किंगडम में दो जिनको रखा गया था वो थे प्लांटी और एनिमेलिया. प्लांटी में प्लांट्स आते हैं और एनिमेलिया में एनिमल्स आते हैं. ठीक है, यहां पे जो क्या नाम है, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश यूकैरियोट. अच्छा, इसके भी ड्रॉबैक्स थे. क्यों, क्या ड्रॉबैक्स थे? यहां पे जो ड्रॉबैक्स थे लीनियस के सिस्टम क्लासिफिकेशन के अंदर, इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को कहीं भी डिफरेंशिएट नहीं किया था. यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी डिफरेंशिएट नहीं किया था. फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक भी को एनिमल्स को ऑर्गेनिज्म को भी क्लासिफाई नहीं किया था. तो इनके क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स ये हुए कि इन्होंने यूकैरियोट प्रोकैरियोट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूकैरियोट मतलब क्या हो गया, जो न्यू सेल्स हैं. यूकैरियोटिक मतलब जो अभी नए नए मॉडर्न सेल्स हैं. प्रोकैरियोटिक जो एंशिएंट सेल्स हैं. यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलकर सिंगल सेल से बना हो. मल्टीसेलुलर जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हो. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हो. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फोटोसिंथेसिस नहीं, दूसरे प्लांट पर डिपेंडेंट हो, नॉन फोटोसिंथेटिक हो. तो इनका क्लासिफिकेशन वो करना भूल गए अपने क्लासिफिकेशन किंगडम के अंदर. ठीक है, तो यहां पे जब ये चीज हुआ तो अब इनका क्लासिफिकेशन करने के लिए दो किंगडम और हैं जो हमारी बुक में क्लियरली मेंशन नहीं है. टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद थ्री किंगडम और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया. ठीक है, थ्री किंगडम और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन ने इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की बट कंप्लीटली ये क्लासिफाई नहीं हो पाए. ठीक है, अब इसको जो था ये देखो यहां पे जा, अच्छा अभी आपसे पूछेगा कि ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था ये किस बेसिस पे किया गया था. तो ये ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर किया गया था. टू किंगडम यहां से देखिए, हेंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज द लॉन्ग टाइम क्या नाम है वॉज फाउंड इनएडुकेट. लंबे टाइम तक था पर उसके बाद इसको इनएडुकेट माना गया. क्यों? क्योंकि ये ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे अपने ये जो डिवीजन था, ये जो था इसका डिवीजन क्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे किया गया था, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, रिप्रोडक्शन, ये सब चीजों. ठीक है, तो यहां पे ये सब चीजें क्या थी, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल के अलावा हमें इन कैरेक्टर ये भी चीजें तो इंक्लूड होनी चाहिए. सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे आप क्लासिफाई नहीं कर सकते. यहां पे आपको क्लासिफिकेशन के लिए आपने जो अपनी टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, यहां पे आपने यूकैरियोट प्रोकैरियोट को भूल गए, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भूल गए, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को भूल गए. यहां तक आपने जो अपने क्लासिफिकेशन है उसके अंदर सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल वॉल, हैबिटेट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन सब चीजों के बारे में तो कुछ कमेंट किया ही नहीं था. इसीलिए मोर साइंटिफिक बेसिक और मोर क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी. तो यहां पे एक बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम आया विच इज कॉल्ड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. कौन सा किंगडम क्लासिफिकेशन? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. क्लियर? तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए याद रखने की चीज है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. इसके बाद डायरेक्टली आपको क्या करना है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन याद करना है. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो थ्री किंगडम, टू किंगडम, फोर किंगडम नहीं कर पाया था, जिस बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं कर पाया था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वो सारी चीजें, वो सारे कैरेक्टर्स अपने क्लासिफिकेशन में लिए. जैसे कि अगर आप ये देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें देखेंगे जैसे कि सेल्स टाइप को उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में ले लिया, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन सब बेसिस को भी अपने किंगडम क्लासिफिकेशन में लिया. इन्होंने एनिमल किंगडम को, प्लांट किंगडम, सॉरी ये पूरे ऑर्गेनिज्म, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फाइव डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइड कर दिया.
जो सबसे पहला किंगडम हम यहाँ पे जानेंगे वो है मोनेरा, वो क्या है मोनेरा। उसके बाद नेक्स्ट किंगडम है प्रोटिस्टा, फिर है फंजाई, उसके बाद है प्लांटी, फिर है एनिमेलिया। ठीक है, तो मोनेरा में ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्रोटिस्टा में भी ऑर्गेनिज्म है, फंजाई में भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया गया। अब ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर एच विटेकर ने। किसने दिया था? आर एच विटेकर ने। तो इनका नाम बहुत पॉपुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे, आर एच विटेकर। क्लियर, आर एच विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने पांच किंगडम्स बनाए जिसके अंदर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। किंगडम का नाम था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, एनिमेलिया, एनिमेलिया, एनिमेलिया प्लांटी। ठीक है, इनका अगर हम बोलेंगे कि कोई बोले कि आप बताओ कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से मेन क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया थे, तो ये जो मैंने लिखे हैं, सबसे पहला क्या था, सेल स्ट्रक्चर, किस सेल स्ट्रक्चर का ऑर्गेनिज्म है, उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। याद रख लीजिए, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, तो सबसे पहला याद रखिएगा, मेन कैरेक्टर्स में कौन कौन से आता है, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो क्वेश्चन यहां पे बन सकता है, इसमें से कोई एक क्राइटेरिया को हटा दे या एक्स्ट्रा जोड़ के आपको पूछ सकता है कि ये इसका क्राइटेरिया था कि नहीं था, तो आपको ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब सबसे पहले एक एक करके जान भी लेते हैं क्या होता है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर का मतलब है कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, नया है या पुराना है। नया है तो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, जहां पे वेल डिफाइंड सब कुछ प्रेजेंट है। अगर पुराना है, जहां पे वेल डिफाइंड सब कुछ नहीं था, वो प्रोकैरियोटिक में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी कैसी बनी हुई है उसकी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। क्लियर, उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल वॉल हो गई आपकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है कि ए सेलुलर है, मल्टी सेलुलर, मल्टी क्या नाम, किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सेलुलर लेवल की बॉडी है या टिश्यू लेवल बॉडी है, ऑर्गन लेवल बॉडी है या ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी है। ये सब चीजें यहाँ पे आती है किसमें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है कि कैसे वो खाना खा रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है कि अपना खाना खुद बनाता है अपनी बॉडी में, जैसे कि ए कैरियो क्या नाम है ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक में भी बहुत सारे हैं, सेप्रोफिटिक, हेलोजेनिक, ठीक है, सॉरी हेलोजेनिक बोला, होलोजेनिक, होलोजेनिक नहीं होता, होलोजोइक होता है, तो क्या नाम है, फोटोसिंथेटिक है कि नहीं, मतलब ऑटोट्रॉफिक है कि नहीं, खुद का खाना खुद बनाता है कि हेटरोट्रॉफिक है, दूसरे पे डिपेंडेंट है, सेप्रोफिटिक हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है हेटरोट्रॉफिक के अंदर, तो ये डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रोफिक है। इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा उसके कंपेरेटिवली, वो पुराने क्या नाम है उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है। इन सब बेसिस पे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्टिंग्विश किया गया, डिवाइड किया गया। क्लियर, तो यहाँ जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था वो यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद एक सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ने सही से डिवीजन कर दिया था, पर सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी लेके आया, उसने थोड़ा सा और एक किंगडम बढ़ा दिया। उसने क्या किया, उसने एक किंगडम क्या बढ़ा दिया, उसका सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन नाम हो गया। उसमें क्या किया, इन्होंने मोनेरा में से दो डोमेन निकाल दिए बाहर और दो उसको डिवाइड करके सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को एस्टैब्लिश कर दिया। तो इसके बारे में इतना जानना नहीं है, काल जो ये सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन है, बस इसके बारे में आप जान लीजिए, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी होता है, इसके बारे में एनसीईआरटी में इतना कुछ दिया नहीं है। बस इन्होंने बताया है कि थ्री डोमेन सिस्टम हैज बीन प्रपोज बाय डिवाइडिंग द किंगडम मोनेरा इंटू टू डोमेन्स। ठीक है, तो मोनेरा को दो डोमेन में डिवाइड कर दिया, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द थर्ड डोमेन एंड सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, इसी तरह सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया। बट हमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को ही समझना है, जानना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन जैसे पढ़ लेते हैं, लेट अस लुक एट द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द टिश्यू एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अर्लियरली क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड्स बैक्टीरिया, ग्रीन ब्लू एगी विच इज BGA, फिर फंजाई, मोसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर द प्लांट। पहले का जो क्लासिफिकेशन था उसमें बैक्टीरियाज को, ग्रीन ब्लू एल्गी को, फंगस को, और मोसेस को, फर्न्स को, जिम्नोस्पर्म्स को, एंजियोस्पर्म्स को एक ही कैटेगरी प्लांट्स में डाला था। पर बाद में जब इनके कैरेक्टरिस्टिक देखे तो किसी के पास वॉल है, किसी के पास नहीं है, इन सब बेसिस पे इनका डिवीजन चालू हुआ। ठीक है, तो इनको क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि अगर देखा जाए तो यहाँ बैक्टीरिया कैसा है आपका, प्रोकैरियोटिक है। ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक सेल नहीं है, तो इनको प्रोकैरियोटिक सेल के हिसाब से इनको डिवाइड कर दिया गया।
और जो थे वो यूकैरियोटिक थे, ठीक है, तो इनका डिवीजन किया गया। इसके बाद कई ऑर्गेनिज्म को देखा गया जो यूनिसेलुलर थे, और कुछ को देखा गया तो मल्टीसेलुलर थे, जो प्लांट के अंदर ही डाल दिए गए थे। तो इनके जब डिवीजन हुआ तो इस बेसिस को भी कंसिडर में लेके डिवीजन किया गया और बनाया गया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। पर क्या हुआ कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटरोट्रॉपिक फंगस ग्रुप एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट ग्रुप, शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉल कॉम्बिनेशन फंगस, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें, तो इसमें बताया गया है कि ये जो क्लासिफिकेशन था वो डिफरेंशिएट नहीं किया कि इसमें हेटरोट्रॉपिक ग्रुप, जैसे कि फंगस, फंगस जो है वो ऑटोट्रॉपिक नहीं है, हेटरोट्रॉपिक है, मतलब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है फॉर द फूड, वेयरएज प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाते, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो सेल वॉल के भी अगर देखा जाए तो फंगस और प्लांट जो है वो एक किंगडम में नहीं रख सकते, क्योंकि फंगस का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का होता है, वेरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए कि जो फंगस होता है उसका सेल वॉल किसका बना होता है, काइटिन। और प्लांट का आपको पता है प्लांट का किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, किसका बना होता है, सेलुलोज का, ठीक है। तो प्लांट का जो है वो किसका बना हुआ है, सेलुलोज का बना हुआ है, ये नेक्स्ट पेज में दिया भी होगा, ठीक है। देयर सेल वॉल, जो ग्रीन प्लांट है उनका सेल वॉल किसका बना हुआ है, सेलुलोजिक सेल वॉल है, कैसा बना हुआ है, सेलुलोजिक सेल वॉल, मतलब सेल वॉल जो है इसका किसका बना हुआ है, सेलुलोज का बना हुआ है, ठीक है, किसका, ग्रीन प्लांट का। वेरेज अगर प्लांट फंगस का देखा जाए तो किसका बना हुआ है, काइटिन का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे प्लांट किंगडम और फंगस को अलग कर दिया गया, प्लांट किंगडम एक अलग बना होगा, फंजाई एक अलग किंगडम में बना दिया गया, क्योंकि उसके कैरेक्टरिस्टिक बहुत डिफरेंट थे प्लांट्स। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में डाल दिया गया, जितने भी प्रोकैरियोटिक थे उनको एक ही ग्रुप में डाल दिया, जिसका नाम था मोनेरा। तो मोनेरा के अंदर वो सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो प्रोकैरियोटिक थे, और कहीं पे भी याद रखिए, ऑल प्रोकैरियोटिक, ऑल प्रोकैरियोटिक्स विल बी ओनली फाउंड इन, विल ओनली बी फाउंड इन मोनेरा किंगडम, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मोनेरा किंगडम में ही मिलेंगे, क्लियर। और इसके अलावा यूकैरियोटिक वो अलग अलग किंगडम्स में डिफरेंशिएटेड है। अब दूसरा आता है कि अगर यूनिसेलुलर है प्लस यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर के साथ वो यूकैरियोटिक है, तो इसके लिए अलग किंगडम बना जिसका नाम था प्रोटिस्टा, क्या नाम था, प्रोटिस्टा। तो ऑल प्रोकैरियोटिक चाहे वो मल्टी हो या यूनि हो, इससे कोई मतलब नहीं है, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, उन सबको मोनेरा किंगडम में डाल दिया गया। पर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सारे ऑर्गेनिज्म को हमने किस में डाला है, प्रोटिस्टा में डाला है। तो प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आ गए वो कौन से थे, अच्छा पहले क्या था, क्लेबाइडोमोनास और कुलेरिया को, इन सबको हमने एल्गी प्लांटी में डाला था क्योंकि इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट था, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि पैरामीशियम और एमीबा, इनको हमने प्लांट से निकाल के एनिमल में डाला था क्योंकि इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं था। तो इन सब ऑर्गेनिज्म को एक क्लासिफिकेशन करके डिफरेंट किंगडम में जा रहे थे क्योंकि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, तो इन सबको हमने प्रोटिस्टा किंगडम में डाल दिया, ठीक है। तो पैरामीशियम और एमीबा जो है वो आपके किस किंगडम में आ गए, प्रोटिस्टा किंगडम में आ गए, ठीक है। दिस काइंड चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इंप्रूवमेंट ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ करेक्टर्स एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो ये चेंजेस हैं ये आगे जाके फ्यूचर में भी आपको देखने को मिलेंगे। आज कुछ ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो फंगस में हो, या हो सकते हैं प्लांटी में डाले गए हो, एनिमली में डाले गए हो, बाद में जब उनके और क्लासिफिकेशन होगा और थोरोली स्टडी होगी या उनके कैरेक्टर्स और क्लियरली पता चलेंगे तो हो सकता है उनको दूसरे किंगडम में भी शिफ्ट किया जा सके या नया किंगडम बनाने की भी जरूरत पड़ जाए, ठीक है। तो ये फ्यूचर में ये इंप्रूवमेंट होते रहते हैं क्योंकि एक स्टडी है, ये कोई क्या नाम है, कोई गॉड ने बना के चीज नहीं भेजी है क्लासिफिकेशन, ये ह्यूमंस ने की फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लासिफिकेशन किया गया और उसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं हम लोग, किस बेसिस पे, कैरेक्टर्स के बेसिस पे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे हम लोग ये क्लासिफिकेशन करते जा रहे हैं। ओवर टाइम जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम को और अच्छा बनाया गया, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी के बेसिस पे नहीं, पर फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया गया है। यहाँ पे देखेंगे ये लाइन दिया हुआ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको शो कराई गई है। तो ये लाइन क्या कहती है कि जो क्लासिफिकेशन है ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी के बेसिस पे नहीं बल्कि फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे भी की गई है। मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर के दिखने के तरीके से किस तरह का दिख रहा है, फिजियोलॉजिकल मतलब होता है कि उसके अंदर उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है,
ठीक है, वो क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब चीजें, उनकी खाने का हैबिट क्या है, ये सब चीजें फिजियोलॉजिकल में आ जाएगा। इसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव मतलब हो गया उसका रिप्रोडक्शन का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअल है, क्या नाम है, फ्रेगमेंटेशन से होता है, बाइनरी फिजन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ये डिफरेंट सिमिलर इस बेसिस पे नहीं, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे भी क्लासिफिकेशन को दिया गया है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस टाइम, विच इज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अब हम ये जो है हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ही को मेन क्लासिफिकेशन सिस्टम मानते हैं, और इस चैप्टर में हम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में, जो विटेकर क्लासिफिकेशन, जिसको हम विटेकर क्लासिफिकेशन या हम कह सकते हैं कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में, ये तीन किंगडम को हम पहले पढ़ेंगे। बाद में दो चैप्टर्स अलग बनाए गए हैं, विच इज एनिमल किंगडम एंड प्लांटिंग किंगडम, जो नेक्स्ट चैप्टर है इसके बाद, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब शुरू करने जा रहे हैं जो किंगडम है वो है मोनेरा। क्लियर, तो मोनेरा जो है इसके अगर सोल मेंबर, जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सोल मेंबर इसके कहेंगे, तो वो होते हैं बैक्टीरिया। तो मोनेरा इज अ ग्रुप विच इज, जिसके अंदर पूरे तरीके से बैक्टीरिया ही प्रेजेंट है। ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, मतलब मोनेरा को आप नेकेड आई से देखना विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे वो बहुत ही ज्यादा छोटे होंगे। ठीक है, अगर आप इसमें एक लाइन लिखी गई है कि अगर आप एक मिट्टी अपने हाथ से एक मुट्ठी मिट्टी उठाते हो, तो उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट बैक्टीरियाज आपको मिल जाएंगे। बैक्टीरियाज की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी क्या कह सकते हैं कि वो क्या, वो हर हैबिटेट में आपको एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम हैबिटेट में मिल जाएंगे, जैसे कि हॉट स्प्रिंग जहां पे एकदम पानी उबल रहा है वहां पे भी आपको बैक्टीरिया मिलेंगे, डेजर्ट जहां इतनी गर्मी है वहां भी बैक्टीरिया मिलेंगे, इतना स्नो जहां पे एकदम माइनस जीरो टेम्परेचर होगा, जीरो से भी कम टेम्परेचर है, वहां भी आपको बैक्टीरियाज मिलेंगे। और ओशियन में डीप में चले जाओगे आप, जहां पे लाइफ फॉर्म को सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है, कि कुछ ही लाइफ फॉर्म सर्वाइव कर रही है वहां पे, वहां पे भी आपको बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे। ये कुछ ऑर्गेनिज्म के बाहर, अंदर बाहर दोनों रहते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई एनिमल, कोई प्लांट या कुछ भी चरे रह रहा है, तो उसको उसके न्यूट्रिशन से अपना पेट भर रहा है, या उसका क्या नाम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के अपना न्यूट्रिशन को फुलफिल कर रहा है, तो हम उसको पैरासाइट कहते हैं। तो बैक्टीरिया कैन बी पैरासाइट। ठीक है, आपको पता होगा बहुत सारे बैक्टीरियल जो है बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते हैं, जैसे कि अगर मैं देखूं तो टाइफाइड विच इज सोलेना टाइफी बैक्टीरिया जो करता है, तो वो एक पैरासिटिक बैक्टीरिया हो गया। क्लियर, अगर मैं स्ट्रक्चर, शेप के स्ट्रक्चर पे बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन करूं बैक्टीरिया का, तो ये फोर डिफरेंट फॉर्म में इनको डिफ्रेंशिएट अलग अलग किया जा सकता है, जैसे कि कोकई जिसको स्फेरिकल कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद बैसिलस अगर है तो रॉड शेप का है, तो उसको हम बैसिलस कह देते हैं। ठीक है, अगर कॉमा शेप का है तो हम विब्रियो कह देते हैं, अगर स्पाइरल शेप का है तो स्पाइरेलियम कह देते हैं, स्पाइरेलिया कह देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के नाम है, तो ये भी आपको याद करना जरूरी है इनके स्ट्रक्चर्स को, ये स्ट्रक्चर आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट था, सोल मेंबर बैक्टीरिया होते हैं किसके, मोनेरा के। ठीक है, और इसमें इतना कोई नहीं है, एक्सट्रीम हैबिटेट में ही मिलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे एक्सट्रीम हैबिटेट में मिल जाते हैं, ये लिव्स इन ऑल एक्सट्रीम हैबिटेट, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद बैक्टीरिया ही इसमें, बैक्टीरिया। अच्छा, बैक्टीरिया का एक पॉइंट बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और एआर क्वेश्चंस और डिफरेंट क्वेश्चंस में इसको बना के दे सकता है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए अपने बुक में। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बैक्टीरिया कुछ इस तरह से, मैं बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो बैक्टीरिया कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, इसका फ्लैजेला है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है, एक तो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक में क्या होते थे, मैक्सिमम तो सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट ही नहीं होते, बहुत कम सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते, तो इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, पर इनका बिहेवियर की स्टडी करोगे विच इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्या कर सकता है कि स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स, बिहेवियर सिंपल, सिंपल बिहेवियर स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स, दोनों सिंपल, दोनों क्या नाम है कॉम्प्लेक्स, ऐसे करके क्वेश्चन बना सकता है। तो आपको याद रखिएगा, स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर अदर ऑर्गेनिजम्स इसको देखा जाए तो इसका यह डिफरेंस है, प्लस इसकी जो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करता है, तभी तो ये हार्श कंडीशन में रह सकता है। ठीक है, तो ये दोनों होते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और क्या नाम है हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद का खाना खुद बनाते हैं, तो इसमें ये कीपोसिंथेटिक और ऑटोट्रॉपिक दोनों हो सकते हैं। कीपोसिंथेटिक मतलब केमिकल से अपना खाना बनाते हैं, और फोटोसिंथेटिक मतलब लाइट एनर्जी को यूज करके अपना खाना बनाते हैं। ये हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, जैसे कि डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करते हैं, बढ़ते हैं, उनको खा के बढ़ते हैं, तो ये आपके हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। अच्छा, जो बैक्टीरिया था उनको डिविजन किया गया दो पार्ट में, एक था आर्क्यू बैक्टीरिया और एक था यू बैक्टीरिया। ठीक है, आर्क्यू बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, आर्क्यू बैक्टीरिया, आर्क्यू बैक्टीरिया, आर्क्यू जो वर्ड है इसका मतलब होता है प्रिमिटिव, तो
तो ये बहुत ज्यादा प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। आर्के बैक्टीरिया आर वेरी प्रिमिटिव बैक्टीरिया, ये बहुत हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं। बहुत हार्श कंडीशन मतलब याद करने आपको, सबसे पहला एक्सट्रीम सॉल्टेड एरिया जैसे कि हेलोफाइल्स, यहाँ पे ही पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग जहाँ पे थर्मो एसिडो बैसिलस बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, थर्मो एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे थर्मो एसिडो फिल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या जाते हैं, हॉट स्प्रिंग में थर्मो एसिडो फिल्स पाए जाते हैं, एक्सट्रीम सॉल्टी में हेलो हेलो फिल्स पाए जाते हैं। मार्शी एरियाज में बहुत बार पूछा गया है नीट में और डिफरेंट एग्जामिनेशन में, तो आर्की बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ही है थर्मोजेंस, ठीक है, ये मार्शी एरियाज में, ठीक है। बैक्टीरिया जो है ये रूमेंट में भी पाए जाते हैं। रूमेंट मतलब होता है जो एनिमल्स से, जो जो प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ बफेलो, इनके पेट में भी ये पाए जाते हैं। ये वहाँ पे मिथेन का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। काऊ डंग का आपको पता ही होगा, मिथेन का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये प्लांट्स के अंदर, ये जो एनिमल्स होते हैं काऊ बफेलो, इनके पेट में भी ये पाए जाते हैं। कौन से, आर्की बैक्टीरिया। वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, ये मार्शी गैस के ऊपर सर्वाइव करते हैं, कन्वर्ट करते हैं मिथेन में, बायोगैस विशेष। तो आर्के बैक्टीरिया यहाँ पे खत्म होता है, बहुत ज्यादा इसको डीप में पढ़ना भी नहीं है। ये चार पांच बैक्टीरिया के नाम दिए, इसी को आपको ध्यान से समझ लेना है। नेक्स्ट आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के मतलब कह सकते हैं ये ट्रू बैक्टीरिया है, मतलब ये एडवांस बैक्टीरिया है, ट्रू बैक्टीरिया है। इनके पास सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बैक्टीरिया की, जैसे कि इनकी सेल वॉल रिजिड है, इनकी जो सेल वॉल है आउटर सेल वॉल है बहुत रिजिड सेल वॉल है। मोटाइल हो सकते हैं, अगर मोटाइल है तो फ्लैजेला प्रेजेंट होगा ही होगा। फ्लैजेला क्या होता है, फ्लैजेलम जिसको लिखा हुआ है, फ्लैजेलम का मतलब होता है इसमें स्ट्रक्चर निकले रहेंगे। जैसे अगर आपका ये बैक्टीरिया है तो इसके में ऐसे स्ट्रक्चर निकले रहेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या करते हैं, इसको आगे पीछे बढ़ने में मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब मोमेंटम, चलने का लोकोमोशन प्रोवाइड करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की, ये स्ट्रक्चर जाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया को सबसे पहले हम पढ़ेंगे, यू बैक्टीरिया के अंदर साइनो बैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए भी कहते हैं, ठीक है। बीजीए के अंदर क्लोरोफिल ए और बड़े प्लांट्स की जैसे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, ठीक है। इसको हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब ये स्ट्रक्चर कैसे है, ये सिंगल सेल्ड है, प्लस कॉलोनी या फिलामेंटियस फॉर्म में रहते हैं, मतलब बहुत सारे ग्रुप में रहते हैं या एक फिलामेंट बना के ऐसे ऐसे जुड़ जुड़ के रहते हैं। ये बैक्टीरियाज कौन से, साइनोबैक्टीरियाज। ये फ्रेश वाटर और मराइन या टेरेस्ट्रियल एल्गी तीनों पर ही पाए जाते हैं। या तो ये फ्रेश वाटर जैसे कि लेक हो गया, रिवर हो गया, मराइन ओशियंस हो गए, या एल्गीज के ऊपर, टेरेस्ट्रियल एल्गी जो होते हैं, जो आपको पता होगा टेरेस्ट्रीज पे जो एल्गी लग जाते हैं आपके पानी बॉडीज के पास, वहां पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। द बैक्टीरिया सराउंडेड बाई जिलिटिनियस शीट। ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनके ऊपर एक जिलिटीन की शीट प्रेजेंट होती है। ये जैसे आपकी साइनो बैक्टीरिया, इसके ऊपर एक जिलिटीन की शीट प्रेजेंट है। ये जो स्ट्रक्चर दिया ये एक एग्जाम्पल है किसका, साइनो बैक्टीरिया के ऊपर। और ये देखिए यहाँ पे म्यूचिलिनियस देखिए यहाँ पे भी जेलेटिन की स्ट्रक्चर नहीं दे रखा है, ठीक है। तो जेलेटिनियस शीट होगी इसके ऊपर प्रेजेंट। दे आर ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम इन दी पोल्यूटेड वाटर बॉडी। ब्लूम का मतलब अगर जैसे ये पानी का रुका हुआ पानी है तो इस पर ग्रीन ग्रीन कलर का पूरा भर जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी है तो इसको एल्गल ब्लूम कहते हैं, ठीक है। ये बहुत वाटर बॉडी को क्या करता है, पॉल्यूटेड कर देता है। क्या करता है, ऑक्सीजन की, जब ये पूरा फैल जाएगा तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन का, बाहर के ऑक्सीजन की, वाटर सप्लाई के ऑक्सीजन से कनेक्शन को कट कर देता है। तो वो आपके जो वाटर बॉडी है उसके अंदर ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी, और आपके सारे वाटर एनिमल्स, कैसे एक्वेटिक एनिमल्स, मर जाएंगे। ये कहीं कहीं जगह पे एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्सेशन करता है, मतलब ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है कि प्लांट्स इसको नाइट्रोजन को यूज कर सकें सॉइल में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है, इसके लिए स्पेशलाइज सेल प्रेजेंट होते हैं इनके पास, जिसको कहते हैं हेट्रोसिस्ट। क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट आर दी स्पेशलाइज सेल विच हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्लियर। इसके एग्जाम्पल आ जाएगा, हेट्रोसिस्ट किसमें प्रेजेंट होता है, नॉस्टॉक एंड एनामेना, नॉस्टॉक एंड एनामेना इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे विच इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। अभी जो हमने पढ़ा वो कौन सा था, ऑटोट्रॉपिक था, अब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक मतलब केमिकल्स का यूज करके अपने न्यूट्रिशन को पूरा करना, ठीक है। जैसे कि वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, अमोनिया हो गया, इन सब को यूज करते हैं अपने एटीपी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। आप कह सकते हैं कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर की रिसाइकलिंग में भी ये बैक्टीरिया बहुत हेल्प करते हैं,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अभी तक तो ऑटोट्रॉफिक था जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, पर कुछ बैक्टीरियाज दूसरे बैक्टीरियाज पे डिपेंड होते हैं, दूसरे एनिमल्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड। ठीक है, ये एबंडेंट है, बहुत ज़्यादा अपने एनवायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है। इसमें से जो मेजॉरिटी हैं वो डीकम्पोजर्स हैं, द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट, द मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट आर डीकम्पोजर। ये डीकम्पोजर की तरह हमारे वर्ल्ड में काम करते हैं, इनका ह्यूमन इम्पैक्ट ह्यूमन अफेयर्स में बहुत है। जैसे कि अगर आप बात करेंगे बैक्टीरियाज की हेटरोट्रॉफिक, तो सबसे पहले जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है वो एक हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, इसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो इस वजह से हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया विच कन्वर्ट मिल्क इन टू कर्ड। इसी तरह बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिन प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, लेग्यूम जो होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं। ठीक है, वहाँ पे रूट्स में प्रेजेंट रहेंगे। सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बॉडीज, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो ह्यूमन बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, क्रॉप्स को डैमेज कर रहे हैं, फार्म एनिमल्स को, पेट्स को डैमेज कर रहे हैं, जैसे कि कोलेरिया, कोलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैनर, ये सब कौन से बहुत डिजीज हैं, ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं जो डिजीज कॉज कर रहे हैं। क्लियर, तो यहाँ पे सबसे पहला जो आ गया आपका कोलेरा, कोलेरा आपको पता होना चाहिए, टाइफाइड पता होना चाहिए, टिटनस पता होना चाहिए। तो ये सारे ऐसे डिजीज हैं जो कॉज किए गए हैं किसके द्वारा, बैक्टीरियाज के द्वारा। बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन भी होता है, ये फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, दे कैन डू रिप्रोडक्शन। कैसा होता है फिजन, मतलब टूटने से सेल डिवाइड होता है और सेल रिप्रोड्यूस करता है। कुछ अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन जहाँ टेम्परेचर बहुत कम ज़्यादा हो जाए, मतलब फेवरेबल कंडीशन ना हो लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहने की, उस टाइम पे ये स्पोर फॉर्मेशन करके अपने रिप्रोडक्शन को करता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कर रहा है, क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है? हाँ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, दे रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो। ये कैसे करते हैं, ये यहाँ पे बनाते हैं कंजक्शन से, कंजक्शन ट्यूब बनती है। जैसे एक बैक्टीरिया है उसके पास पिलाई प्रेजेंट होती है दूसरा बैक्टीरिया के पास, तो ये कंजक्शन के थ्रू एक दूसरे के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है, मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, एक तरह का ये मेथड जो है ये प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर का यूज करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसमें एक बहुत पॉपुलर बैक्टीरिया है, इसका नाम है माइकोराइजा। माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा एक ऑर्गेनिज्म है जो जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ये वर्ल्ड का, पूरे यूनिवर्स का सबसे छोटा लिविंग सेल है जो ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव करता है। तो माइक्रोप्लाज्मा में आप बहुत इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि माइक्रोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है पूरे वर्ल्ड में, सारे एनिमल किंगडम पूरे और लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव करता है और पैथोजेनिक एनिमल है, पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक एनिमल प्लांट्स को दे मनी पैथोजेनिक। ये बहुत सारे माइक्रोप्लाज्मा जो है वो प्लांट्स और एनिमल पे पैथोजेनिक है, मतलब उन पर अटैक करके अपना न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट या एनिमल से लेता है। तो इसी के साथ जो है हमारा इस चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट वन यहाँ पे कंप्लीट होता है, जहाँ पे मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे हुई, किसने की, किस किस पार्ट में हुई, किस बेसिस पे हुई, ये सब बताया। और बैक्टीरिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको मोनेरा किंगडम के अंदर आता है, वो पूरा चैप्टर मैंने आपको वो पूरा टॉपिक आपको मैंने समझा दिया। अब इसके बाद दो टॉपिक बचते हैं, दो किंगडम्स, विच इज प्रोटिस्टा एंड फंजाई, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप इस चैप्टर को थोरोली पढ़ लीजिए, यहाँ ये जो चैप्टर में ऊपर ये पॉइंट्स थे मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, मैं इसको हाईलाइट करना भूल गया हूँ, तो ये यहाँ पे याद रख लीजिए कि ये जो इनके कुछ पॉइंट्स हैं किसके, साइनोबैक्टीरिया के। साइनोबैक्टीरिया कैसा है, फोटोसिंथेटिक ऑक्टोटॉपिक बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर होता है, क्या नाम है, कॉलोनियल है, फिलामेंटियस है, फ्रेश वाटर मराइन में दोनों पाया जाता है या टेरेस्ट्रियल एल्गी के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर ये जो शीट दिख रही है आपको यहाँ पे म्यूसिलिनियस शीट लिखी हुई है, म्यूसिलिजिनियस शीट, पर ये जिलेटिनियस शीट भी कह सकते हैं इसको। ये वाटर के अंदर एल्गल ब्लूम फॉर्म करता है, ब्लूम फॉर्मेशन करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में याद रखिएगा नॉस्टॉक और एनामेना, बैक्टीरिया का नाम है नॉस्टॉक एंड एनामेना, दीज आर द टू बैक्टीरियाज विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो ये हेटरोट्रॉफिक कंडीशन, यहाँ पे यहाँ जो कंडीशन आती है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता तो एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करता है ये हेटरोसिस्ट। क्लियर, इसके बाद ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होता है इसके अंदर, सॉरी ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन होता है जो डिफरेंट केमिकल्स को यूज करके एनर्जी प्रोडक्शन करता है और अपनी बॉडी को सर्वाइव करता है। इसके बाद हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में सुना जो दूसरे
लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। तो यहाँ पे हमने हेल्पफुल, मतलब जो हमें हेल्प करता है, जैसे कि कर्ड हो गया, एंटीबॉडीज बनाने वाले बैक्टीरियाज हो गए, या नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज हो गए, और कुछ बैक्टीरिया जो है वो होते हैं हार्मफुल भी होते हैं, जैसे कि अगर बात की जाए तो कोलेरा के जो होता है, टाइफाइड, जैसे सोलमनर टाइफी हो गया, ठीक है, टिटनस का हो गया, सिट्रस कैनर हो गया, ठीक है, ये कुछ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है जो हमारे ह्यूमंस को, एनिमल्स को, क्रॉप्स को, पेट्स को क्या करते हैं, हार्म भी करते हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में भी देख लिया हमने, इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाई जाती है। अनफेवरेबल कंडीशन पे स्पोर प्रोडक्शन भी करता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रोप्लाज्मा के बारे में पढ़ा। माइक्रोप्लाज्मा कैसा है? जिसके पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है, पहला चीज़। सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे लिविंग सिस्टम में। इसके बाद सर्वाइव करता है विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं जरूरत है इसको, विदाउट ऑक्सीजन ये सर्वाइव करता है और पैथोजेनिक है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। इसी के साथ आज की जो हमने वीडियो थी इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसमें मैं अपलोड कर दूंगा, आप उस चैप्टर को, उस वाले पार्ट को भी सही से पढ़ के इस चैप्टर को सही से तैयार कर लीजिए, क्योंकि 2024 में इससे क्वेश्चंस आए थे, 2025 में भी इससे क्वेश्चंस आएंगे और बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं। बट एआर क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। अगर आपको लाइन टू लाइन याद है तो आप एआर क्वेश्चंस को बहुत इजीली टैकल कर सकते हो। थैंक यू।